बलिस्तान में घूमने फिरने वालों की अच्छी खुशखबरी, उसमें गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सियाहती इलाके खुल चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान मई से लेके दिसंबर के मौसम में आपके लिए खुल सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सियाहती मुकामात में इस वक्त तमाम सड़कें खुली है, मौसम बेहतर है। इसके साथ साथ बहुत सारे गिलगित बल्तिस्तान के लोकल टूरिज्म कंपनी ने अपने पैकेजेस अपने वेबसाइट पर अनाउंस किए हैं। आप बता सकते गिलगित बल्तिस्तान में ये सीजन आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे इलाके नेचुरल ब्यूटी से भर चुके हैं। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान एडवेंचर प्लेसेस है, और जहाँ पर आप ट्रेकिंग करना चाहते हैं, आप जहाँ पर माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए बेहतरीन खुल चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त वो तमाम इलाके इस वक्त खुले हुए हैं जो साल के मुख्तलिफ मौसम में बंद होते हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ आप साल में एक बार ही वहाँ विजिट कर सकते हैं, तो लिहाजा वो इलाके भी खुल चुके हैं। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त मौसम बेहतर है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के ऑल ओवर वेदर की बात की जाती है, बहुत बेस्ट है, ना गर्मी ज़्यादा है ना ही सर्दी ज़्यादा है। अगर आप लोग अपने वेकेशन को गिलगित बल्तिस्तान में गुजारना चाहते हैं, या गिलगित बल्तिस्तान के किसी इलाके में आप घूमना फिरना चाहते हैं, तो ये मौसम आपके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की अगर आर अवाली इसकी ब्यूटी की बात की जाए, तो आप सब बेहतर तरीके जानते हैं कि पाकिस्तान का जितने भी शुमार इलाकाजात है वो ब्यूटी के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से अपने सामने रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की बात, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त दुनिया के बड़े 24 चोटियां हैं, और जिसको आप सर कर सकते हैं, जिसको आप माउंटेनिंग कर सकते हैं, जिसको आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया के सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, इस पर ब्लैक ग्लेशियर भी यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के वादी नगर में बहुत ही खूबसूरत लेक्स यहाँ पे मौजूद है, स्विट्जरलैंड टच के बहुत सारे लेक्स यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ सिकरदो गिलगित बल्तिस्तान का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस भी बहुत ज्यादा है, एडवेंचर प्लेस भी बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ जो लोकल फन है, इस फन खजाती के लिए बहुत सारी चीजें मौजूद। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत इलाका डिस्ट्रिक्ट अस्तोर, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे एडवेंचर प्लेसेस मिलेंगे जहाँ पर आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। तो आप बात की जाए, तो अगर आप गिलगित बल्तिस्तान का टूर करना चाहते हैं, तो मई से लेकर अगस्त के जो दरमियानी जो मौसम है, ये आपके लिए बेहतर रह सकता है। अगर आप दोस्त गिलगित बल्तिस्तान में घूमना फिरना चाहते हैं, या आप यहाँ पे आना चाहते हैं, आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारी कंपनियां हमसे इस वक्त रबते में, इंशाल्लाह आप उस हवाले से कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा, आप कोई टूरिज्म के हवाले से बता दिया जाएगा, आप मुख्य पैकेज के हवाले से आगाह किया जाएगा। अगर आप दोस्त आना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएगा, वहाँ पे हमने बहुत सारे गिलगित बल्तिस्तान अच्छे कंपनियों की जो फ्रॉड नहीं करते हैं, बेहतरीन तरीके से अपने जो है वो क्लाइंट के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं, उनकी लोकेशन बेहतर बनाते हैं, ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, आप वहाँ जाकर बता सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में घूम फिर सकते हैं। मिलते हैं सीरियस में, तब तक अल्लाह हाफिज़।